मंगिलोल बगड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने प्रबंध से आशय, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं, प्रबंधन के कार्यों और भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रबंध की महत्वता विषय के संबंध में विचार विमर्श किया था और स्पष्टीकरण कर आपकी जिज्ञासाओं को शांत किया था। विद्यार्थियों, आज हम प्रबंध के सिद्धांत से आशय, उसकी महत्वता के संबंध में अपने स्पष्टीकरण करेंगे। प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं? जैसा कि पूर्व में मैंने आपको यह बतलाया था कि जिस तरह विज्ञान के कुछ नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रबंध के भी कुछ नियम सिद्धांत होते हैं। जब एक प्रबंधक अपने व्यवसाय उद्योग का प्रबंधन करता है तो वह उन सिद्धांतों, उन नियमों, उन उपनियमों को अपनाता है और अपने व्यवसाय उद्योग के लक्ष्यों, उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। तो प्रबंध के सिद्धांत संक्षेप में वे नियम होते हैं, वे उपनियम होते हैं जो कि एक प्रबंधक को उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों के लिए एक लैंप पोस्ट का कार्य करते हैं। जिस तरह एक लैंप अंधेरे में हमें यह दिशा बताता है, ठीक उसी प्रकार प्रबंध के सिद्धांत भी हमें यह बतलाते हैं कि हमने अपने व्यवसाय उद्योग का प्रबंधन कैसे करना है। तो प्रबंध के सिद्धांतों को अपनाने से मुख्य लाभ यह होता है कि एक प्रबंधक अपने व्यवसाय उद्योगों की लक्ष्यों, उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से कर लेता है। इसके अलावा इन सिद्धांतों को अपनाने से एक प्रबंधक के मनोबल में भी वृद्धि होती है, उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है, उसको एक दिशा मिल जाती है कैसे करना है काम को, वह उसी के अनुरूप कहे कार्य करता रहता है और संस्था का विकास विस्तार होता है, संस्था के लाभों में वृद्धि होती है। इसके अलावा उस उद्योग में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके मनोबल में भी, कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जब एक प्रबंधक इन नियमों को, इन सिद्धांतों को अपनाएगा, निश्चित रूप से क्या है, उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो पाएगी। ये सिद्धांत क्या है, यूनिवर्सल नहीं है, सर्वव्यापी हैं, हर जगह लागू होते हैं, चाहे स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, कहीं भी ले लो आप, भले अपने देश में, विदेश में, प्रत्येक प्रबंधक क्या करता है, इन्हीं नियमों को, इन्हीं सिद्धांतों को अपनाता है। और अब वो अलग बात है कि प्रत्येक देश की परिस्थितियाँ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन सिद्धांत यही रहते हैं और वह इन लक्ष्यों, उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से कर लेता है। थैंक यू।